प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। दिल्ली की श्रद्धा हत्याकांड को अब तक पूरा देश भूला भी नहीं था कि झारखंड में एक ऐसी ही घटना ने सबको दहला कर रख दिया। घटना साहिबगंज के बोरियों की है, जहां 22 वर्ष की आदिम जनजाति महिला को कटर से 12 टुकड़ों में काट डालने का मामला सामने आया है। मृतक महिला की पहचान रबीका पहाड़िन के नाम से की गई। यह महिला बोरियो थाना क्षेत्र के गोंडा पहाड़ की रहने वाली थी। वह शादी के बाद पति दिलदार अंसारी के साथ बेल टोला स्थित घर पर रहती थी। दिलदार को हिरासत में लेकर पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। बोरियो थाना प्रभारी जगन्नाथ पान के अनुसार महिला का छत विछत शव शनिवार शाम करीब 6 बजे बोरियो थाना क्षेत्र के संथाली मोमिंग टोला स्थित एक पुराने बंद घर में बरामद किया गया। उसके बाहर से 12 टुकड़ों में बरामद किया गया है। हालांकि महिला का सिर और शरीर के कुछ अंग अब भी बरामद नहीं किए जा सके हैं। मौके पर साहिबगंज के SP अनुरंजन किसपोट्टा और चिकित्सकों की टीम भी पहुंच गई। चिकित्सक यह देख रहे हैं कि महिला की गर्दन से ऊपर के हिस्से के अलावा शरीर का कौन कौन सा भाग अब भी गायब है। मृतक महिला की पहचान उसके पति दिलदार अंसारी ने ही की। पुलिस के अनुसार रबीका पहाड़िन दिलदार अंसारी की दूसरी पत्नी थी। मामले में बोरियो पुलिस दिलदार को हिरासत में लेकर देर रात तक पूछताछ करती रही। शनिवार शाम 6 बजे जब मोमिन टोला में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे से महिला का पैर कुत्तों द्वारा नोचते हुए ग्रामीणों ने देखा, तो इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस छानबीन करते हुए एक बंद पड़े पुराने घर में जा पहुंची, जहां पर महिला के शव के अन्य टुकड़े भी बरामद किए गए। पहली नजर में पुलिस को अनुमान था कि महिला की हत्या के बाद उसके शव को इलेक्ट्रिक कटर जैसी किसी धारदार चीज से काटा गया है। हालांकि यह अब भी जांच का विषय बना हुआ है, जिसपे पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।